नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं पार्ट 21 लेसन 5 कॉमन कटिंग टूल्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे, पहला टॉपिक हमारे है कि डिलिंग मशीन। तो डिलिंग मशीन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिलिंग मशीन, ठीक है। तो डिलिंग मशीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला हो जाएगा आपका पोर्टेबल ड्रिल मशीन और दूसरा हो जाएगा फिक्स ड्रिल मशीन, ठीक है। तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या होती है और फिक्स ड्रिल मशीन क्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इसका अध्ययन आगे तक बता देते हैं दोस्तों कि पोर्टेबल क्या होता है, फिक्स क्या होता है, ठीक है। पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो होती है दोस्तों, ये ड्रिल हैंड ड्रिल मशीन इसके अंतर्गत आता है, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन मशीन इसके अंतर्गत आता है, रैचेट ब्रेस्ट ड्रिल मशीन आती है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन आती है, और पैनमेट्रिक या मतलब न्यूमेट्रिक हैंड ड्रिल मशीन इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत दोस्तों? तो ये हमारा आ जाएगा पोर्टेबल ड्रिल मशीन के। और फिक्स ड्रिल मशीन के अंतर्गत क्या क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। फिक्स ड्रिल मशीन के अंतर्गत ये आपको दिखाई दे रहा होगा फिक्स ड्रिल मशीन, तो पिल्लर टाइप ड्रिल मशीन, बेंच टाइप ड्रिल मशीन और कॉलम टाइप ड्रिल मशीन और रेडियल टाइप ड्रिल मशीन और गैंग ड्रिल मशीन तथा मल्टी स्पेंडर ड्रिल मशीन, ठीक है। उसके बाद से आपको बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका देखेंगे साइज एंड स्पेसिफिकेशन ड्रिल मशीन के बारे में, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम चलाते हैं यहाँ पे पोर्टेबल ड्रिल मशीन में। तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन में पहला हमारा, सबसे पहले तो इसको ना बताते हुए मैं बताता हूँ कि ड्रिलिंग प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ड्रिलिंग प्रक्रिया अगर देख लेंगे तो ड्रिलिंग प्रक्रिया, ड्रिलिंग वह विधि है जिससे किसी भी वस्तु में ड्रिल की सहायता से सुराग किया जाता है, वह ड्रिलिंग प्रक्रिया हो जाएगी, क्लियर। अब हम मशीन की बात करेंगे तो ये प्लस जोड़ देंगे तो ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रिलिंग मशीन की बात किया जाए दोस्तों, तो पोर्टेबल टाइप के ड्रिलिंग मशीन की, तो कहा जाएगा धातु चाहे कितना भी नरम क्यों ना हो, परंतु यह संभव नहीं है कि अकेले ड्रिल से ही हम सुराग कर सकें, क्लियर। इसीलिए किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ड्रिल को मजबूती से पकड़कर घुमाते हुए सुराग किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे बेंच वाइज, ठीक है, या मशीन वाइज, ठीक है। ऐसी डिवाइस की मशीनों को ड्रिल प्रेस या ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, ठीक है, या ड्रिल प्रेस या ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। अगर एक बात और किया जाए तो ड्रिलिंग के अतिरिक्त इस मशीन पर क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिमिंग, टैपिंग, काउंटर सेंकिंग, काउंटर बोरिंग आदि ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब ये भी क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो ये 2 टाइप में होते हैं। तो पहला ड्रिल मशीन जो हो जाएगा वो पोर्टेबल ड्रिल मशीन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फिक्स ड्रिल मशीन हो जाएगा, क्लियर। तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन की यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला नंबर की बात करेंगे यहाँ, ये इसका बात हम नहीं करते हैं फिक्स वाले पे। तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन का केवल पहले बता देते हैं कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन कई बार भारी लंबे तथा फिक्स किए हुए जाब पर कुछ सुराग करने में सक्षमता पड़ती है, परंतु ऐसे जाब को मशीन तक ले जाने में कठिन होता है, ठीक है। मशीन तक ले जाने में क्या होता है दोस्तों, कठिन होता है, ठीक है, कठिन होता है। तो इसीलिए काम के अनुसार ड्रिल मशीन को जाब तक ले जाते और ऐसी मशीन आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहलाते हैं, ठीक है। यह हाथ अथवा बिजली दोनों द्वारा चलाई जा सकती है। यह भी निम्न प्रकार के होते हैं जो आपके ये सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब पहले नंबर की हम बात करेंगे हैंडल मशीन के बारे में। तो हैंडल मशीन क्या होती है, इसमें लगभग हम देखा जाए तो 6 मिलीमीटर तक के साइड के ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़कर, ड्रिल चक पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ड्रिल चक में पकड़कर हाथ से चलाया जाता है, किसमें, हैंडल मशीन में, ठीक है। इसका प्रयोग पतली सीट में सुराख या साइज को सुराख बड़ा करने के लिए किया जाता है, परंतु अधिकतर प्रयोग इसका कहाँ पे करते हैं, तो कारपेंटरी शॉप में करते हैं, कारपेंटरी शॉप में या विद्युत शाला में, इलेक्ट्रिकल शॉप में करते हैं, ठीक है। इसमें हम अधिक स्पीड पर नहीं चला सकते, इसमें बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाई हैंडल मशीन है तो उसको हम बहुत स्पीड से नहीं चला सकते, क्योंकि ताकत लगती है। हैंडल मशीन का फिगर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरिटी रूप में, तो ये यहाँ पे आपका गियर हो जाएगा, वो वेवल गियर हो जाएगा दोस्तों। पीछे का गियर टीथ यहाँ पे होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रेशर हैंडल होता है, मतलब जहाँ पे हम हाथ को पकड़ के यहाँ से दबाव देते हैं। क्रैंक शेप होता है यहाँ पे, ठीक है, क्रैंक हैंडल भी होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ड्रिल चक, ये जो आपका दिखाई दे रहा है वो ड्रिल चक है, उसके नीचे सबसे नीचे जो है वहाँ पे ड्रिल बिट लगी हुई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंडल मशीन हो जाएगी। इसके द्वारा 6 mm तक के ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़कर हाथ से चलाया जाता है, ठीक है, हाथ से चलाया जाता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं ड्रिलिंग, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन के, ब्रेस्ट मतलब, ठीक है, ये भी आकार में हैंडल मशीन से मिलते जुलती है, ठीक है। क्या है, ये भी आकार में हैंडल मशीन से मिलते जुलती है, ठीक है। एक हैंडल इसमें भी था और एक यहाँ भी था और नीचे आके यहाँ पे चक लगा हुआ था, क्लियर।
ये यहाँ पे ऐसे करके बनाया जाएगा ताकि हम अपने छाती को इस पे धक के दबाव देके इस पे ड्रिल होल कर सकें दोस्तों, ठीक है। तो क्या होती है कि ये भी हैंडल मिल से हैंड ड्रिलिंग मशीन से मिलती जुलती, अंतर केवल इतना है कि इसमें हैंडल के स्थान पर एक अर्ध गोल प्लेट लगी होती है, ठीक है। हैंडल के स्थान पर ये जो दिखाई दे रहा है अर्ध गोल प्लेट लगी होती है, ठीक है, अर्ध गोल प्लेट लगी होती है जिससे सुराख करते समय छाती के साथ सटाकर, छाती के साथ सटाकर दबाव दिया जाता है। इस मशीन में से हैंड ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा बड़े साइज के सुराख मतलब 12 मिलीमीटर, उसमें कितना था 6 कर सकते हैं। इस टाइप के मशीन के साथ 2 वेवल गियर भी आते हैं जिनकी सहायता से मशीन की स्पीड को बढ़ाया घटाया जा सकता है। एक तो गियर ये हो जाएगा, एक गियर इसके अंदर रहेगा दोस्तों, 2 गियर रहेंगे, क्लियर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेवल गियर है, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है। या यहाँ पे इसका ऊपर वाला पार्ट है जो छाती से यहाँ दबा के एक आदमी वर्क कर रहा है, देखिए कुशल श्रमिक वर्क कर रहा है, ठीक है, बेंच वाइस में जॉब को बांध के, ठीक है, क्लियर है। हैंडल है तो हाथ से पकड़ा हुआ है, ये चलाने वाला हाथ से है, ठीक है। ये 2 आपको दिखाई दे रहेगा, ये गियर हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसके नीचे आपका ये हो जाएगा, आपका चक हो जाएगा दोस्तों, जिसमें ड्रिल बिट को पकड़ के चलाया जाता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं दोस्तों रैचेट 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 ड्रिल मशीन के बारे में। तो रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन के बारे में, तो ड्रिलिंग करने की यह पुरानी विधि है। इसमें क्या है कि पुरानी विधि है, इसमें प्रयोग में प्रायः फ्लैट या रैचेट सैंक ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं, चपटे या रैचेट सैंक वाले, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इस मशीन पर भी हैंडल ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा बड़े साइज के सुराख किए रहते हैं, ठीक है, इस मशीन पे भी। इस मशीन का प्रयोग अधिकतर रेलवे लाइन गार्ड्स या फैब्रिकेशन आदि कार्यों में किया जाता है, जहाँ पे कहाँ पे कार्यों में वहाँ पर किया जाता है, जहाँ पे बिजली मिलना संभव ना हो वहाँ पे हम क्या करते हैं रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग कर लेते हैं। इसका फिगर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका फिगर है दोस्तों। इसके बेस के ऊपरी वर्टिकल पोस्ट, इसके बेस के यहाँ जो बेस है ऊपरी वर्टिकल पोस्ट लगा होता है, ठीक है। इस पोस्ट में एडजस्टेबल क्लैंपिंग आर्म है, यहाँ पे एडजस्टेबल क्लैंपिंग आर्म है, ठीक है। फिक्सिंग प्लेट को बाहर की ओर बढ़ी हुई होती है, बाहर की ओर क्या है बढ़ी हुई होती है। बेस को गार्डर या रेलवे लाइन के नीचे रखा जाता है, जो बेस है उसको गार्ड या रेलवे लाइन के नीचे रखा जाता है, ठीक है। तथा क्लैंपिंग आर पर लगे स्क्रू द्वारा लाइन या गार्ड को कस देते हैं, ठीक है। इसके बाद से इसके क्लैंपिंग के द्वारा क्या करते हैं आर्म को या भुजा को उसके द्वारा कस देते हैं, क्लियर। पोस्ट के ऊपर दूसरा प्रेशर आर्म, प्रेशर आर्म मतलब ये जो है प्रेशर आर्म ऊपर से लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर आर्म लगा होता है। इस प्रेशर आर्म के नीचे ड्रिल सहित रैचेट ब्रेस्ट को सेट कर लेते हैं, इसके नीचे रैचेट ब्रेस्ट को सेट कर लेते हैं, क्लियर। ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ड्रिलिंग को एक साकेट में फिट किया जाता है, ड्रिलिंग को एक साकेट में ये साकेट है फिट किया जाता है। साकेट दूसरे सिरे पर स्क्वायर चूड़ी कटी होती है, तथा साकेट के दूसरे सिरे पर स्क्वायर चूड़ी कटी होती है, ठीक है। यह चूड़ी वाला भाग है हेक्सागोनल नट में से गुजरता है, हेक्सागोनल नट मतलब 6 पहल का होता है दोस्तों, ठीक है, 6 पहल का हेक्सागोनल नट होता है, कह रहा है उससे गुजरता है, ठीक है। इस नट का साकेट के बीच में रैचेट तथा हैंडल लगा होता है, इस नट के साकेट के बीच में, ठीक है, इस नट साकेट के बीच में रैचेट तथा हैंडल एक लगा होता है, यही हैंडल, ठीक है, जिसकी सहायता से ड्रिल को घुमाते हैं, इसकी सहायता से ऐसे ऐसे ड्रिल को घुमाते हैं, अर्थात जब रैचेट को सीधा दिशा में क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ड्रिल घूमता है, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे तो ड्रिल घूमेगा, ठीक है। जब रैचेट को उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो ड्रिल नहीं घूमता है, जब ऐसे घुमाएंगे तो नहीं घूमेगा और ऐसे घुमाएंगे तो घूमेगा। इस तरह के हैंडल को कई बार आगे पीछे घुमाकर सुराख कर लेते हैं, क्लियर, दोनों तरफ इधर और इधर कर लेते हैं, ठीक है। इस मशीन के द्वारा किए गए सुराख परिशुद्ध नहीं होता, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, जिसके कारण आजकल इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, ठीक है। यह लगभग लगभग अगर इसके द्वारा बात किया जाए तो कितना एमएम गहरा, तो 9 मिलीमीटर से लगभग 20 मिलीमीटर तक के ये गहराई कर सकता है किसी भी मेटल में, पदार्थ में, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो उसमें क्या होती है, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, उसके बाद से एक से रोलर बॉक्स होता है, ये होती है, इसके बाद से ये बड़ा वाला पॉट होता है, अरे हैंडल ऐसे लगा दिया जाता है, यहाँ पे टिगर होता है दोस्तों, और यहाँ पे सॉकेट लगी होती है, इसमें ड्रिल को बांध देते हैं और ये ड्रिल हमारा काम इस तरह से करता है, क्लियर।
अब ये क्या है कि ये विद्युत द्वारा चलाई जाती है दोस्तों, ठीक है। चलाई जाने वाली पोर्टेबल रिले मशीन है, या एसी और डीसी दोनों करंट में मिलती है। इसकी स्पीड दूसरे प्रकार के हैंड ड्रिल मशीन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है, स्पीड जो कह रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा आसानी से कहीं भी सुराख हम कर सकते हैं। ये भी टू टाइप के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहला हो जाएगा लाइट ड्यूटी, ठीक है, पहला लाइट ड्यूटी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हैवी ड्यूटी हो जाएगा। दो प्रकार के, तो लाइट ड्यूटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। लाइट ड्यूटी की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा, लाइट ड्यूटी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, पिस्टल टाइप ड्रिल मशीन कहेंगे, पिस्टल टाइप, ठीक है। इस मशीन के चक में 13 मिलीमीटर, कितना, 13 मिलीमीटर तक के ड्रिल को पकड़ कर सुराख किए जा सकते हैं, क्लियर, लाइट ड्यूटी वाले में, क्लियर। अब हैवी ड्यूटी की बात करेंगे, हैवी ड्यूटी की बात करेंगे दोस्तों, तो हैवी ड्यूटी की बात करेंगे तो इसमें 25 मिलीमीटर तक के ड्रिल पकड़े जा सकते हैं, कितना दोस्तों, तो 25 मिलीमीटर तक के ड्रिल हैवी ड्यूटी में, ठीक है, पकड़े जा सकते हैं। अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त दूसरे ऑपरेशन जैसे ग्राइंडिंग, सैंडिंग भी आदि भी इससे कर सकते हैं। स्पीड लाइट ड्यूटी की अपेक्षा क्या होती है, इसमें मशीन की स्पीड लाइट ड्यूटी की अपेक्षा कम होती है। हैवी ड्यूटी में, हैवी ड्यूटी मशीन में मशीन की जो स्पीड है लाइट ड्यूटी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यूमेट्रिक या पैनोमेट्रिक, न्यूमेट्रिक या पैनोमेट्रिक, न्यूमेट्रिक है ड्रिलिंग मशीन के बारे में जान लेते हैं। न्यूमेट्रिक ड्रिल मशीन यहाँ पे है। इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन हवा के प्रेशर से चलती है, किससे दोस्तों, हवा के प्रेशर से, ठीक है, हवा के प्रेशर। इस प्रकार अधिकतर समुद्र जहाजों की मरम्मत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विद्युत चालित ड्रिलिंग मशीन पानी के अंदर काम नहीं कर पाते, अथवा इन्हें ऐसे स्थानों पर भी काम में लाए जाते हैं जहाँ पे विद्युत उपलब्ध ना हो, ये क्लियर कर लीजिएगा। कंपनी में देखिएगा, अगर हर जगह विद्युत उपलब्ध नहीं होती है तो प्रेशर के द्वारा, गन प्रेशर, एयर प्रेशर, ठीक है, सब उसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, वो चलाते हैं, गन चलाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद से हम फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन की बात करेंगे यहाँ पे। तो फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन में। तो थोड़ा इसमें बता रहे हैं कि मतलब मशीन बेंच टाइप की तरह होती है, या मशीन बेंच टाइप की, मतलब जो बेंच होता है उसी टाइप की मशीन, अंतर केवल इतना होता है, बेंच टाइप मतलब जो अभी पहले बताए हैं उसी टाइप की होती है, लेकिन अंतर इतना होता है कि इसके मशीन पर लगभग लगभग 25 मिलीमीटर तक के ड्रिल पकड़े जा सकते हैं। स्पेंडल में स्टैंडर्ड मोस्ट टोपर, मोस्ट टोपर, स्टैंडर्ड मोस्ट टोपर, स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर बोर, ठीक है, कटा होता है, जिसमें बड़े साइज के टेपर से ड्रिल पकड़े जा सकते हैं। इसे धरती पर फाउंडेशन काम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और बात किया जाए तो इस वीडियो में दोस्तों, ये आपका टॉपिक क्लियर मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये एक एक टॉपिक करके मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बड़ा होता जाता है तो इसलिए दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, इसके पहले ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन जो है दोस्तों, वो मैं क्लियर करवा चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं उसका, ठीक है। पार्ट नाम उसमें डाल दूंगा कि कौन सा पार्ट है, पार्ट मैंने नहीं डाला, बहुत पहले वो वीडियो मैं अकेले बना चुका था तो इसलिए पार्ट वाला दिक्कत था। तो इसमें आपको साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, और ये जो है दोस्तों, इसको एक एक करके फिगर के द्वारा मैं बताऊंगा, ठीक है। फिक्स टाइप में आपका पोर्टेबल टाइप क्लियर हो गया है, और फिक्स टाइप आपका बचा हुआ है दोस्तों, जिसमें से आपको पिलर टाइप हो गया है, बेंच, आप कालम और रेडियल तथा गैंग और मल्टी स्पेंडर ड्रिलिंग मशीन के बारे में हमको बताना है, मतलब कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 5 टाइप के आपको बताना है। अब आते हैं दोस्तों साइंड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में, तो ये कैसे होती है इसके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, हम तो बात करेंगे ड्रिलिंग मशीन का साइज है उसकी टाइप पर निर्भर करता है, मतलब कि कौन सा टाइप है। जैसे पोर्टेबल ड्रिल मशीन का साइज उसमें पकड़े जाने वाले अधिकतम व्यास वाले ड्रिल से लिया जाता है, अधिकतम व्यास ड्रिल का जो व्यास रहेगा दोस्तों उससे लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाता है। अब नंबर वाइज की बात करेंगे दोस्तों इसमें, तो 1 नंबर के काउंटिंग करते हैं। स्पेंडल में बने मानक टेपर बोर, मानक टेपर बोर, मयम T1 मानक टेपर बोर, ठीक है, साइज जैसे MT1 के आदि से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। स्पेंडल नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा स्पेंडल और टेबल के बीच के लंब रूप में अधिकतम दूरी। स्पेंडल मतलब हैंडल के बाद स्पेंडल होता है दोस्तों, ऐसे हैंडल होता है और इसमें स्पेंडल होता है। वह कह रहा है कि स्पेंडल और टेबल के बीच में लंब रूप से अधिकतम दूरी, और टेबल के बीच के रूप के लंब रूप से उसकी दूरी, क्लियर दोस्तों। नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे,
टेबल का व्यास, मतलब जो जिस पे टेबल पे हम वर्क करेंगे दोस्तों, वो वर्क कैसा रहेगा और कितना लंबा चौड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। स्पिंडल की चाल और उसकी न्यूनतम या अधिकतम गति, स्पिंडल जो है दोस्तों वह किस हिसाब से चल रहा है, जो ऊपर से चक लगाएंगे ड्रिल यहाँ पे करेंगे, वह स्पिंडल किस गति से चल रहा है उसका प्रयोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। पुल्ली या गियर ड्राइव, जो पुल्ली होती है दोस्तों इसमें क्या होती है कि एक स्टेप पुल्ली इसमें लगी होती है, ठीक है। ऐसे छोटे 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 कई स्टेप में रहेगा, इधर भी उसी प्रकार बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। और इसमें बेल्ट ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब उसकी चाल, मतलब कितना क्या है दोस्तों, पुल्ली या गियर ड्राइव इस पर चेक करते हैं, ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है। मोटर या अश्वशक्ति, मोटर जो होगा हमारा दोस्तों क्या है, जो मोटर होगा हमारे पास उसकी अश्वशक्ति कितनी है दोस्तों वो देखेंगे। मशीन तथा भार तथा कितनी जगह घेरती है, मशीन का भार और वेट और कितनी जगह घेरती है वो भी देख सकते हैं दोस्तों। अगले नेक्स्ट में टॉपिक में वो रेडियल ड्रिलिंग मशीन के साइज, आर्म के पूरी लंबाई तथा स्तंभ के व्यास के लिए किया जाता है रेडियल, ठीक है। इसमें रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो कह रहा है कि मतलब आर्म की पूरी लंबाई तथा स्तंभ के व्यास से इसका साइज लिया जा सकता है, लेकिन अधिकतम उत्पादन काम आने वाली मशीन के साइज तथा उनके भेदन क्षमता, मतलब ड्रिलिंग कैपेसिटी के अनुसार लिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करा जाए तो 400 मिलीमीटर मशीन पर होगी, जिसे स्पिंडल केंद्र के स्तंभ के बीच की दूरी कितना होगी, तो 200 मिलीमीटर होगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।